क्लास बच्चों आज हम आपको हिंदी सेकंड में पार्ट वन रीड करेंगे। आपका हिंदी सेकंड में पार्ट वन है भाषा। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे भाषा क्या होती है। भाषा जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वह हमारी भाषा होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह कुछ कुछ शब्द बोलना शुरू करता है, तो वह उसकी क्या होती है, उसकी भाषा होती है। हम जिस एटमोसफेयर में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण में उसकी भाषा को समझना हमारी भाषा कहलाती है। देखिए भाषा किसे कहते हैं, हम भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उस बात को समझ लेता है, वही भाषा है। मीन्स जैसे कि मैं हिंदी में बात करती हूँ तो आप लोगों को मेरी हिंदी की भाषा समझ में आ रही है, और अगर मैं इंग्लिश में बात करती हूँ तो अगर आप लोग मेरी इंग्लिश की बात समझ लेते हैं, मेरी इंग्लिश की बोली समझ लेते हैं, तो वह हमारी भाषा होती है। जैसे आप भारत के अलग अलग राज्यों में जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग भाषा देखने को मिलती है। आप सुनोगे, उसे समझोगे, लेकिन अगर आप उसे समझ नहीं पाते तो वह आपके लिए बिल्कुल बेकार है। जब हम कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं और उस भाषा को समझ लेते हैं तो वह हमारी भाषा होती है। भाषा में हम कुछ पूछते हैं, कुछ बातें हम भाषा के द्वारा पूछते हैं, कुछ बताते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और लिखते पढ़ते भी हैं। जब हम भाषा के द्वारा कुछ बातें सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वह हमारी भाषा होती है। जैसे अध्यापिका है, वो ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखकर समझा रही है, तो वो क्या हुआ, आपको समझा रही तो आप वो समझ रहे हो। वो अलग अलग विषय आपको पढ़ाती है और वो आपको समझना होता है। जब वो आपको हिंदी में पढ़ा रही तो आप हिंदी समझ जाते हो, इंग्लिश में पढ़ा रही है तो आप इंग्लिश समझ जाते हो, मैथ से पढ़ाते हो मैथ भी समझ जाते हो। तो जिस चीज़ को हम समझ जाते हैं वह हमारी भाषा होती है। इसी तरह से भाषा के बहुत रूप होते हैं कि हम बोल कर भी सुनते हैं, लिख कर भी और संकेत द्वारा भी समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उस बात को समझ लेता है, वही भाषा है। जैसे पापा बच्चों से कुछ कह रहे हैं और बच्चा पापा से कुछ कह रहा है और दोनों ने एक दूसरे की बात को समझ लिया, तो वही उनकी भाषा होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसकी भाषा सिर्फ उसकी माँ समझ पाती है। क्यों? क्योंकि वह थोड़े थोड़े वर्ड बोलना सीखता है। जैसे वो पहले कह रहे थे वो कह दूध, तो वो दूध कहता है तो उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। रोकर भी बच्चे अपनी माँ से समझा देती है कि छोटे बच्चे रो रहे हैं तो मम्मी क्या कहती है, ये दूध पिएगा। समझ आया? तो इसी तरीके से जो भाषा होती है वह हम बोलकर तो समझा सकते हैं। ये आपका हिंदी सेकंड का